नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुपुर के पल्लदम में प्रति व्यक्ति 200 रुपए। एक सार्वजनिक बैठक के लिए कतार में खड़े लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ। अविश्वास तब हुआ जब उन्होंने 1000 लोगों के लिए कल्याण योजना की घोषणा करके लोगों को अम्बोनू भेजा। तिरुपुर जिले के पल्लदम में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का 89वां जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया, जहां कूड़े के ढेर पर जनता को भोजन दिया गया। वीडियो वायरल हो गया और सनसनी बन गई। तिरुपुर जिले के पल्लादम नगर पालिका के अंतर्गत जेकेजे कॉलोनी में ये घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री एमके के 73वें जन्मदिन के अवसर पर गरीब लोगों को भिक्षा समारोह, वित्तीय रिपोर्ट और कल्याण सहायता आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान जनता आधे रास्ते से उठ गई। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए आम लोगों को कूड़े के ढेर पर खाना भी दिया गया, वो भी बिना कचरा हटाए ही। बैठक हो गई, यहाँ तक कि गरीब और विनम्र लोगों ने भी इसे बड़े चाव से खरीदा। और जब उन्होंने इस आयोजन के लिए लोगों को जुटाने के लिए प्रति व्यक्ति 200-300 रुपए का भुगतान किया, तो सैकड़ों लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पार्टी के अधिकारी बिना कोई कल्याणकारी सहायता प्रदान किए चले गए। प्रति व्यक्ति 200 रुपए वसूलने की बात को वहां के कुछ लोगों ने वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और अब यह वीडियो वायरल हो गया है और इसने काफी उत्साह पैदा कर दिया है। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमण्य की रिपोर्ट। Thank you.